हाय एंड हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आज हम बात करने वाले बच्चा एक नोटिस की जो कि एनएमसी की तरफ से आया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से, जो कि 20 तारीख को आया हुआ है। और दिस इज रिगार्डिंग विद द ईडब्ल्यूएस कोटा, ईडब्ल्यूएस कोटा से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी न्यूज है ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट के लिए कि उन्होंने नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिनको लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस के लिए सीट्स मिल चुकी है उनको फिर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास राजनांदगांव में लास्ट ईयर 25 सीट्स ईडब्ल्यूएस की अलॉट हुई थी, तो उसके लिए उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ लिखा तो है 25 सीट्स ईडब्ल्यूएस, लेकिन आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस को सिर्फ 10% ही मिलता है। मतलब ये है कि 125 में से जो ईडब्ल्यूएस को सीट्स मिलेंगी वो 12 सीट्स ही मिलेंगी। तो अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके राजनांदगांव को ईडब्ल्यूएस कोटा की 12 सीट्स मिल चुकी है। इसमें दूसरे बच्चों के लिए भी खुश होने की बात है। क्यों दूसरे बच्चों को खुश होने की बात है? क्योंकि जब 25 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है तो ईडब्ल्यूएस को तो 12 मिली, तो हमारे स्टेट कोटा को, जैसे हम बात करें तो स्टेट में पहले हमारे राजनांदगांव में कितनी सीट्स थी, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए ईडब्ल्यूएस को छोड़ के 82। अब ये सीट्स के इंक्रीमेंट के बाद जो 25 सीट्स इंक्रीज हुई है, इसके बाद हमारे स्टेट में जो अब स्टेट कोटा के लिए जो सीट्स हो चुके हैं वो 90, मतलब 8 सीट्स अदर कैटेगरी के बच्चों के लिए भी बढ़ चुकी है उसमें। और हमारा वही रिजर्वेशन रहेगा जो कि रहता है लाइक 32% फॉर एसटी कैटेगरी है ना, और 12% फॉर एससी कैटेगरी एंड 14% फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड रिमेनिंग फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। तो अच्छी बात यह है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि किस रैंक तक ईडब्ल्यूएस को मिल सकता है। देखिए अभी आपको पता कि 56 रैंक तक मिला था और 54 सीट्स थी अभी हमारे पास, और 56 रैंक तक मिला था, मतलब दो बच्चों ने नहीं लिया था जो भी हमारे ईडब्ल्यूएस के थे। अब बेटा इसमें डॉक्यूमेंट सही, मतलब ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। तो मैं ये मान के चल रहा था कि 4-5 डॉक्यूमेंट हमारे, मतलब ऐसे बच्चे होंगे जिनके ईडब्ल्यूएस के डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे, इस वजह से मैंने आपको बोला था कि 62 रैंक तक ईडब्ल्यूएस वालों को कॉलेज मिल जाएगा। अब आप ये मान के चलिए 12 सीट्स यहाँ पे हमारी बढ़ चुकी है, तो अब आप ये मान के चलिए जिसकी ईडब्ल्यूएस रैंक 74 तक है उनको कॉलेज मिल सकता है, यानी आप 75 भी ले सकते हैं। जैसे कि अभी ईडब्ल्यूएस 1 वाला, आपको पता है कि वो लड़की कहाँ जा चुकी है ना, तो वो नहीं है यहाँ, वो उसने ऑल इंडिया से एम्स रायपुर ले लिया है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अब ईडब्ल्यूएस जिसकी 75 रैंक तक है उस पर आप मार्क्स देख लीजिए क्या है, वहां तक मिली है। अभी अंबिकापुर के बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर अंबिकापुर को तो आपको पता है जीरो ईयर था, तो वहां पे तो कुछ ईडब्ल्यूएस की या बाकी कोई भी सीट्स नहीं थी, तो उसके लिए तो वही रूल एप्लीकेबल होंगे जो इस बार बनेंगे, ठीक है। तो अभी तक वहां पे ईडब्ल्यूएस सीट्स के लिए कुछ भी नोटिस नहीं आया हमारे पास, ठीक है। एक कहां से नोटिस, अच्छा इस नोटिस को आप कहां जाके पढ़ सकते हैं, आप हमारे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे मैंने इस नोटिस की एक पिक को अपलोड किया हुआ है, आप वहां जाके इस नोटिस को पढ़ पाएंगे। फिर से मैं बता दूं ये एनएमसी के द्वारा दिया गया है, नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा। इसकी डेट है जो जिस तारीख को ये नोटिस आया है वो 20/11/2020 है, मतलब 20 नवंबर को, मतलब आज 21 है, कल आया हुआ नहीं, आज 22 है शायद, तो परसों आया हुआ है। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जिनको लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस सीट्स मिल चुकी है उनको फिर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ईडब्ल्यूएस सीट्स उतनी ही रही जितनी लास्ट ईयर थी। तो राजनांदगांव के बाद 25 सीट्स बढ़ी थी ईडब्ल्यूएस के नाम से, जिसमें ईडब्ल्यूएस की सिर्फ 12 सीट्स थी। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, 25 सीट्स भले ईडब्ल्यूएस के नाम से बढ़ी थी, लेकिन उसमें ईडब्ल्यूएस का कोटा 10% ही होता है, तो 12 सीट्स हमारे पास राजनांदगांव को मिल गई। मतलब आप 12 सीट्स का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होंगे, मतलब होगी जो कि हमारी सेकंड काउंसलिंग होगी, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट होंगे 12 सीट्स के लिए, बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी मतलब उनको सीट अलॉट होगी 12 सीट जो मिली है अपनी, किसको मिली है, राजनांदगांव को, ठीक है। तो यही बताना था मुझे इस वीडियो में, चलो बाय बाय।